में आजादी की पहली लड़ाई 1857 में नहीं पलासी की लड़ाई के लगभग 20 वर्ष बाद लड़ी गई, जहां अंग्रेजों ने सत्य को मिटा दुनिया भर में हमारे मुंह पर कालिक पोतने की कोशिश की है। 1857 के महान स्वाधीनता संग्राम को केवल एक विद्रोह जताया है, वहां हमारी आजादी के पहले संग्राम को जिस पर ऋषि बंकिम चंद्र ने आनंद मठ की रचना की, अंग्रेज सन्यासियों के वेश में चंद लुटेरों की लूट मार ठहरा गए हैं, लेकिन सत्य मिटाए भी क्या कभी मिटता है। सन 1770 इन दिनों भारतवर्ष के इस हिस्से में एक ऐसा अकाल पड़ा जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती। खुराक की कमी और महामारियों के नतीजे में लगभग आधी आबादी तो मौत का निवाला बन गई, जो जिंदा रह गए वो भी इंसान तो क्या, जंगली हैवानों से भी गए गुजरे, बस जिंदा रह गए। यहां कुल जायदाद, यहां तक कि माएं बहने बेचकर भी मुट्ठी भर अनाज न इकट्ठा हो सके, वहां कोई लगान कैसे दे, लेकिन देना तो होगा ही, क्योंकि देशद्रोहियों की कृपा से ईस्ट इंडिया कंपनी के सौदागर मालगुजारी के ठेकेदार बन चुके थे, वो लगान कैसे छोड़ते। हाथ से हमको कितना रुपया लेना बनता? 6,606 रुपया। ओह, तो ये बहुत मालदार है ने? जी हुजूर। अब तुम्हारा प्रजा लोग कहा, रुपया देने को हाजिर क्यों नहीं? कहत और बीमारी की वजह से सब लोग भाग गया। जल्दी कर, जल्दी कर। अरे वो दरवाजा खिड़की बंद। चुप 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 चुप। सब लोग भाग गए हैं। चलो हाजिर करो। नहीं, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं,
कहने को प्रजा की भलाई के रक्षक, असलियत में फिरंगियों के कठपुतले, अयाशियों में गर्क, इन्हें दुनिया की सुध-बुध कहां। कयामत तो बढ़ी आले दे, पिला पिला और पिला, खूब पिला, छलक पड़ती है शराब तो छलक जाने दे। राजा महेंद्र सिंह है। सुनने में आता है कि आप बंगाल के राजाओं में सबसे ज्यादा मालदार हैं, लेकिन आज दोष न देना प्रभु, तुम तो सदा हमारे साथ हो। कल्याणी। हाँ। क्या छिपा रही हो कल्याणी? कुछ नहीं, जैसे तुमने अपनी हिफाजत के लिए कुछ लिया है वैसे मैंने भी। औरत का आखिरी सहारा। आ बेटा सुख, आओ चले। आज ये आलीशान महल, पुरखों की जमा की हुई पूंजी, मान मर्यादा धन दौलत सब छोड़ के जाने पर मजबूर है। महल में बच्ची के लिए दूध का एक कतरा भी नहीं। राजा और भिखारी सब एक हो गए। कल्याणी।
देखो देखो वो मकान है ना। हाँ है तो। आओ चले। अच्छा अच्छा कल्याणी रात में पड़ जाएगी। अच्छा तुम जरा यहाँ बैठो। मधुकैटभारे गोपाल
छोड़े हरे मुरारे मधुकैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद शोरे उठो उठो मेरी बच्ची उठो भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् वन्दे बेटी मैं ये पूछना तो भूल ही गया तुम्हारा घर कहाँ है पर वहां तो कोई रहा नहीं सिवाय राजा महेंद्र सिंह की ओ तो क्या तुम राजा महेंद्र सिंह की पत्नी हो चिंता न करो महेंद्र सिंह तुम्हें शीघ्र ही मिलेंगे अवधन गुरुदेव हाँ क्यों गुरुदेव अवधन तिरंगी काफी लेके लिए जी हाँ तैयार जी जाहिर है हाँ महेंद्र सिंह की कोई खबर मिली जी नहीं जीवानंद गुरुदेव जीवानंद गुरुदेव ये सब काम तो तुम अकेले ही निभा लोगे ना जी हाँ अच्छा अच्छा तो भवानंद तुम जाओ महेंद्र का पता लो और हो सके तो उसे अपने साथ ही लेते आना जैसी आइए विजयी भाव विजय जी भाव मेरी बात सुन साहब ये डाकू पकड़ा है और बंदूक इसके हाथ में थी तुमको ये बंदूक कहाँ से मिला बाप दादों से एक नहीं हजारों बकता है चुप खामोश साहब हुक्म दीजिए अब इसका हम क्या करें क्या करें ठीक बात पूछे क्या करें बस एक काम करो तुमसे कोई भी साला इस सारे को शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो शादी करने चलो बाद में देखा जाएगा चलो ठीक ना चलो आप लोग कुछ मेरी भी गलती है आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी मैंने कुछ नहीं किया मेरी भी तो सुनिए यह हवलदार तो लौटता है ले जाओ इसको भी उसी गाड़ी में फेंक दो मैं सन्यासी हूँ हवलदार साहब इसको गलत फहमी हुई है जरा मेरी भी तो सुनो भाई चलो ले चलो गाड़ी गोदन गोदन क्या रहा नहीं वो आ रहे रे हर सारा
मैं भी आता हूं। हाथ में तलवार लिए खड़े का तमाशा देखा जा रहा है। जी हाँ शहजादे हो ना, हितू के चक्कर ना जानते हो सकता है, लेकिन आपके अरे डाके डालना मैं नहीं जानता। इन डाकुओं ने आपका प्लान किया। जी शुक्रिया, मुझे ऐसी भलाई नहीं चाहिए। बहुत अच्छे तिबला, थोड़ी देर और तमाशा देखिए। ये डाकू आपको रानी साहब और राजकुमारी से मिला देना चाहते हैं। देखिए सुनिए, फरमाइए। ये तो बताइए असलियत में आप लोग हैं कौन? संतान। संतान समझा नहीं, किसकी संतान? माँ की। माँ की? हाँ, जननी जन्म भूमि स्वर्ग भी कैसी। तो आप लोग इस तरह डकैती से माँ की सेवा करना चाहते हैं? डकैती नहीं तो ये क्या हो रहा है? लुटेरों से लूट छीनी जा रही। लेकिन ये तो राजा का लगान है। राजा का? राजा कौन? ये अपने नवाब मीर जाफर। नवाब मीर जाफर? नवाब मीर जाफर जिसके राज ने रियाया को लगान चुकाने के लिए अपनी बहु बेटियों को भी भेजना पड़ता है, जिस हुकूमत ने लोगों को जिंदा रहने के लिए मुर्दे खाने पड़ते हैं, जिसकी अमलदारी में सरकारी भेड़िए खुलेआम मापनों की इज्जत और असमत का शिकार करते हैं। मीर जाफर, वही मीर जाफर जो विदेशी लुटेरों को देश की लक्ष्मी सौंपकर चैन की बंसी बजाता है, जो खूनरेज अंग्रेजों के हाथों अपनी माँ बहनों को बेइज्जत होते देखकर भी खड़ा खड़ा मुस्कुराता है। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? हम इन्हें लात मारकर भगा सकते हैं। भगाएगा कौन? ये मुट्ठी भर संतान। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज कितने थे? सवाल ये नहीं है कि लड़ने वालों की तादाद कितनी है, बल्कि ये कि उनके मन में मर मिटने की लगन कितनी है। आजादी की इस लड़ाई में हम संतान सिर्फ एक शक्ति पर विश्वास करते हैं और वो है ब्रह्मचर्य। अगर हम ब्रह्मचर्य अटूट रख सके तो हमारे ये मुट्ठी भर संतान ही सारी जनता को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा सकते हैं। आप में से किसी के घर बार नहीं है? है क्यों नहीं? त्याग चुके? नहीं, व्रत पालन कर रहे। संतान बनोगे? अगर बीवी बच्चों से दूर रहना ही आपका व्रत है तो ये रोग मेरे बस का नहीं। बंदे! 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 वंदे वंदे मातरम् 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शश श्यामलाम मातरम् वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शश श्यामलाम मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् ज्योत्सना पुलकित यामिनीम पुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम शुभ्रज्योत्सना पुलकित यामिनीम पुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुरवासिनीम सुखदाम वरदाम मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् कल कर निनाद करले सप्त को
कोटी भुजे सब लगन मयत बोले तुम बल धारी निंग माम तारी निंग रिप दल बारी निंग मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कमलम अमलम वतुलम सुजलम सुफलम मातरम नमामि कमलम अमलम वतुलम सुजलम सुफलम मातरम वंदे विष्णु और विष्णु की गोद में कौन है माँ माँ हाँ हमारी माँ मैं समझा नहीं समय आने पर सब समझ जाओगे आओ माँ माँ निरंकार परिपुषिता माँ हस्तमयी सुंदरी माँ बाल सूर्य प्रभा ईश्वर की अधिष्ठात्री माँ को प्रणाम करो देखा देखो माँ जैसी है अंधकार समाचन्न काली मामयी चित्त सर्वस्व नग्निका आज हमारा देश शमशान हो गया तभी तो मां ने भी ये रुंडमाला पहन रखी देख मां जैसी होगी देख दशभुज दशो दिशाओं में प्रसारित नाना आयुध रूपों में नाना शक्ति शोभित पैरों तले शत्रु विमर्द तो पदाश ने ऋषि भी शत्रु निपीड़न में मग्न है देख पूछा नानव प्रहरण धारिणी वीरेंद्र पृष्ठ विहारिणी शत्रु विमर्दिनी मां वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मां इस रूप में कब दर्शन देगी जब मां की सारी संतान मां को मां कहकर पुकारेगी गुरुदेव कल्याणी और सुकुमारी कहां है इसी रास्ते से चले जाओ मंदिर के बाहर दोनों मिलेंगे एक बार उनसे मिलकर डरा ले लो मैं अभी आता हूं गुरुदेव मैं अभी आता हूं मैं सिद्धांत धर्म ग्रहण करूंगा गुरुदेव मैं अभी आता हूं You dirty idiot. Now, mother may passing your time. Under those bloody sundowns, a British officer come out, Dollar. You hear? Do you? And I've got you. The life of a British officer is lost. A bullet.
तो मैं इसमें क्या कंपेंसेशन देने सकता। ठीक है साहब, इसमें नाराज होने की क्या बात है, तुम 2 लाख रुपया लगान में और वसूल कर लो। गेट अ पासपोर्ट क्विक, डोंट फॉरगेट हम तुमको नवाब बनाया, और अगर तुम लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकेगा हम तुमको फिर बाहर फेंकेंगे। हमें पीस चाहिए, पीस। अच्छा साहब, नथिंग मोर। एक और मौका भी तो हमें दीजिए, मैं अभी हुक्मनामा भेज देता हूँ, सारे संतान बदमाश को या तो पकड़ लेगा या कत्ल कर देगा। ऑलराइट ऑलराइट, आई एम गिविंग यू वन मोर चांस। सागरों में मौसीकी मेरी महफिल में जमने दे, जहां वालों की हालत खराब है साथी, बिला शराब मेरी रातें जवान है साथी। पिला पिला और पिला खूब पिला, छलक पड़ती है शराब तो छलक जाने दे। खुदा की मुल्क बादशाह का हुक्म एतमादुल दौला अमीरुल उम्रा हजूर नवाब मीर जाफर नाजम इलाका बंगाला का हर खास आम को आगाह किया जाता है कि आज के बाद से ताहुक्म सानी हर साधु सन्यासी अपनी गद्दाराना कार्रवाइयों के नतीजे में सल्तनत के खतावार करार दिए गए हैं। लिहाजा ये हर शख्स का फर्ज है कि जहां कहीं भी उन्हें पाए कोतवाली में दाखिल करे। इस ऐलान की खिलाफ वर्जी करने वाले को इबरतनाक सजा दी जाएगी। बंदे! जो शख्स भी इस ऐलान की खिलाफ वर्जी करेगा उसको इबरतनाक सजा दी जाएगी। लेकिन भवानंद, तुमने ये खबर अपने सब केंद्रों में पहुंचा दी है ना? हाँ हाँ, उसी वक्त मैंने देवानंद और ज्ञानानंद को भेज दिया था कि सब अपनी अपनी जगह होशियार रहे ताकि एक संतान भी दुश्मन के पंजे में ना आ सके। जीवन क्या है ज्ञानानंद? राजा महेंद्र सिंह अपने पत्नी और बच्ची के साथ मत छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, उन्हें रुकूं? नहीं, लेकिन गुरुदेव वो जानते हैं। हाँ, ये भार उन्होंने खुद लिया है। पुकारा किसी ने? नहीं तो माँ के दर्शन कराए थे ना, बड़ी अनोखी है वो मूर्ति, वो स्वरूप आंखों से ज्यादा ही नहीं,
ऐसा मालूम देता है कि माँ बार बार पुकारती है। कल्याणी, मैं उस पुकार को सुनना नहीं चाहता। माँ पुकारती है तुम्हें, इस पुकार को अनसुनी ना करो। अनसुनी ना करूं? तुम्हें माँ के चरणों में अपना सब कुछ बलिदान करना ही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो कल्याणी? उन्होंने कल स्वप्न में मुझे भी दर्शन दिए थे। मुझे देखते ही वो बोल उठी, यही है वो, यही है जो मेरे लाल को मुझसे छीन रही है। कल्याणी, देखो देखो देखो, वो मुझे बुला रहे हैं। कल्याणी देखो, कल्याणी देखो, ये तो केवल स्वप्न है और कुछ भी नहीं। चलो चलो यहाँ से चले, चलो घर। माँ तुम्हें जो राह दिखा रही है उसी को अपनाओ। तुम जाओ। हमारी राह क्या अलग अलग है कल्याणी? मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच। कल्याणी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या मुझे भी त्यागने के लिए तैयार हो गई? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकूंगी। ये मुझसे ना होगा। मैं तुम्हें छोड़कर स्वर्ग में नहीं जा। कल्याणी, नहीं जा सकती। कल्याणी, हम दोनों की राह एक है, मंजिल भी एक है ना कल्याणी? क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया कल्याणी? बकवास।
संध्या का समय हो गया, आज्ञा हो तो थोड़ी देर भजन कर लो। भजन? तो आप गुरुजी हैं। हवलदार साहब रोकिए रोकिए, क्या हुआ क्या हुआ, क्या मामला है? सुबेदार साहब, मैं थोड़ी देर भजन करना चाहता था, आप नाराज हो गए। नाराज होने की क्या बात है, गाओ। लेकिन कोई फटती हुई चीज सुनाओ। हाँ गाओ। चलो चलो गाओ। सात साले तानसेन के बच्चे गाओ। समीरे तटिनी तीरे बसती बने बरनारी, बसती बने बरनारी। मा कुरु धनुर्धर गमन विलंबनम अति विधुरा सुखु। ये तो कोई इशारा है गुरुदेव का। हा? चटिनी तिरे सुकुमारी धीर। कैसे हुआ? मैं संकेत करता हूँ। बसती बने बरनारी, बसती बने बरनारी। मा कुरु धनुर्धर गमन चटिनी तिरे नदी किनारे जरूर कोई पड़ा है। देखो चलो, देख तुम अपने खबर दो। लिम्मी, लिम्मी, अरे जल्दी आना, क्या है बाबा?
चुके। हाँ सुनाओ ना। अरे ठहर तो, अभी सुनाती हूँ। क्या हवा चल रही, मैं लाती हूँ। दिया ना, रहने दे।
दे आजादी का नारा वो तूफान। तोड़ राह के चट्टानों को निकले नए समय की धारा वो तूफान। शांति, शांति, जाने से पहले मैं तुमसे कह देना चाहता था, लेकिन सोचा क्या कहूं। शांति, तुम्हारे ऐसे काम के लिए क्या मैं तुम्हें रोकती? कभी नहीं। लेकिन जाने से पहले मुझे हम जल्दी ही मिलेंगे शांति, व्रत सफल होते ही मैं अपनी शांति के पास चलाऊंगा। चलो शांति। हाँ, मैं तुम्हारी राह तकूंगी। तुम्हें देर हो रही है, जवाब दो। बंदे मातरम, निम्मे, निम्मे, भैया, ये पकड़ी। अरे, ये क्या? इसे कहाँ से ले आए? तुम्हारी है क्या? भैया दूसरा ब्याह किए हो? मारूंगा एक छप्पर। बंद रहिया कहीं। घर में दूध है? पिला दे से छत से। भूखी है। ले संभाल इसे। मैं चला। भैया ये क्या? बस जल्दी कुछ खा तो लो। तुम्हें मेरी पसंद। वही पुरानी आदत। बात बात पर कर। शाबाश मेरी बिटिया। पीजा पीजा पीजा। बात बात। भैया मेरी एक बात मानोगे? क्या? कहूँ ना मानोगे? तो बोलना। जो ना मानो तो मैं ही मरूं। फिर कसम छुए। अब बताए कि बुलाऊं? बुलाऊं एक बार। किसे? भाभी को। निम्मे, मेरी सौगन, तुम भाभी से मिले बिना ना जाओ। भैया, इस तरह घर में कभी पाँव भी न रखूंगा। भैया, तुम्हें मेरे सुहाग की सौगन। अज्ञान में नहीं। अज्ञान है तो मार डालूंगा। बड़े वीर हो ना, बहन को मार डालोगे, स्त्री का त्याग करोगे। हट जा, चल जाओ, चल जाओ। चल जाओ शांति, मैं कहता चल जाओ, चल जाओ शांति, चल जाओ यहाँ से, चल जाओ यहाँ से शांति, चल जाओ। प्रतिज्ञा करो, मन वचन और कर्म से ब्रह्मचारी रहोगे। यहाँ तक जब विधि के साथ एक आसन पर न बैठोगे। शांति, शांति, शांति। तुमने एक क्या सूरत बना ली है? तुम्हें क्या खाने पहनने की भी कमी हो गई है? नहीं तो ओ, पहनू किस लिए? हाँ, जब तुम लौट आओगे मुझे ग्रहण करोगे। शांति, मैंने क्या तुम्हें त्याग दिया है? नहीं नहीं, त्याग नहीं। जब तुम्हारा व्रत सफल होगा, देश स्वाधीन होगा, जब तुम फिर मेरे पास। शांति, शांति, मैं अगर सोचता
कि जो संतान था मैं तुम्हारी मदद के बगैर ग्रहण भी न कर सकता, उसी के लिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। शांति, समझ में नहीं आता अब तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं। हम क्यों मिले, क्यों मिले शांति, हम क्यों मिले, तुम क्यों मिले? तो क्या इस मिलन से तुम्हारा व्रत तो नहीं टूट गया? तुम्हारा व्रत बोलो ना। प्रायश्चित तो है, और फिर हमारे जीने मरने का क्या? प्रायश्चित, कुछ नहीं शांति, यही दान पुण्य, गंगा स्नान, उपवास और। मैं समझ गई। अच्छा, ये प्रायश्चित जीवन में एक ही बार हो सकता है ना? कितना कठोर है। उतना ही जरूरी भी। क्यों, तुमने तो कोई अपराध नहीं किया? किया है। क्या? नियम तोड़ा है, और इसलिए प्रायश्चित का जो विधान है वो मुझे भी मानना पड़ेगा। विधान? कौन है, कौन है ये विधान बनाने वाला? अगर कभी मैं उसे मिली तो जरूर कहूंगी तुम्हारा ये विधान गलत है, गलत, बिल्कुल गलत। नहीं, उनका विधान बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये विधान न मानने दूंगी, ये प्रायश्चित मैं तुम्हें न करने दूंगी। कभी नहीं। सुनो, जाने से पहले एक वचन दो, मुझसे एक बार फिर मिले बिना प्रायश्चित न करोगे? तो तुम भी वचन दो कि इस हाल में न रहोगी, ये फटे पुराने कपड़े न पहनूंगी। वचन देती हूँ। तो मैं भी वचन देता हूँ। अच्छा शांति, करीब की संबंधी यही रहेंगी। सौभाग्य मेरे। जरा कमजोर हैं गोरी दीदी, देखभाल करनी पड़ेगी। चिंता न करो गोसाई जी, सब कुछ ठीक कर लूंगी। और हाँ, खर्चे की फिक्र न करना, कभी कभी आया करो। आइए आपका। और हाँ, जरा जल्दी से वैद्य जी को भेज दे। जाए तो रही हूँ। अच्छा अच्छा, वचन और कर्म से ब्रह्मचारी रहोगे, मन वचन और कर्म से ब्रह्मचारी रहोगे। अगर एक प्रतिज्ञा भी भंग हुई तो प्रायश्चित करोगे, और वो प्रायश्चित होगा मृत्यु। चिल्ला चिल्ला और चिल्ला, देश के बच्चे तेरे गुरु की बारी भी आती है, बहुत ही नमाज तू तो करा। ठीक है, लेकिन हम जानने मांगता तुम्हारा जेल खाना वेल प्रोटेक्टेड, आई मीन हिफाजत। अरे साहब, हमने रियासत के चुने हुए सिपाहियों को अपने हजूर में बुलाकर उन्हें जेल की अंदर और बाहर इस होशियारी से पहरे पर बिठाया है कि मीलों की दूरी तक संतान तो क्या उनका बाबा या आदम भी नहीं फटक सकता, ताकि हम अपने अंग्रेज दोस्तों को दावत जन्नत देना चाहते हैं, ताकि महफिले रख।
गुरुदेव, मैं समझ गया आप जानबूझकर क्यों गिरफ्तार। भेद खुल गए ना? हाँ गुरुदेव। महेंद्र, ये संतान सेना की पहली अग्नि परीक्षा है। मैं देखना चाहता था कि हमारी संतान सेना कसौटी पर खड़ी उतर सकती है या नहीं। के पीछे मूछ पाकर इनकी हत्या की है। हां, दुश्मन की तोपों ने मारा है इन्हें, लेकिन इनकी मृत्यु ने हमारी आंखें खोल दी। इनकी अमर आत्मा ने हम तक ये संदेश पहुंचाया है कि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमारे पास भी तोपें होनी चाहिए। दुश्मन अगर आगा फौलाद के जोर पर हमारी मां को पराधीन बनाए रखना चाहता है, अगर वो हमारी आजादी के इरादों को अपनी तोपों का निशाना बनाना चाहता है, तो हमें भी आग का जवाब आग आग फौलाद का जवाब फौलाद से देना होगा। हमें भी तोपें चाहिए, तोपें। स्वाधीनता, स्वाधीनता, देशद्रोहियों के अत्याचार से स्वाधीनता, विदेशियों की गुलामी से, यह है हमारी मंजिल। हम किस मंजिल पर पहुंचना है, कैसे और किस तरह, हमें इसकी परवाह नहीं। मुझे यकीन है ये तो तुम भी मानोगे, रास्ता चाहे कोई भी हो, सवाल है अपनी मंजिल पर पहुंचना। मैं दो एक दिन में मठ छोड़कर बाहर चला जाऊंगा। हो सकता है चंद वर्षों के लिए मेरे आने तक भवानंद और जीवानंद ये दोनों इस मठ के कार्यकर्ता होंगे। संगच्छस पृथ्वी संयमेनेष्टभूतं परमेव्यो
हिवायावत्यम पुरस्मे संगच्छ सुतन्वासुवचा शांति। प्रभु आपके जाने का उद्देश्य तो समझा, लेकिन ये पूरा कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आया। मैं देश भर में घूमता फिरूंगा और हर जगह अच्छे से अच्छे कारीगर चुनकर यहाँ भेजूंगा। लेकिन सिर्फ कारीगरों से क्या? इसीलिए तो मां महेंद्र को यहाँ ले आई, मैं उसे दीक्षा देने ही जा रहा हूं। हाँ, पद्मचंद का महल ही हमारा किला होगा, वही हमारी तोपें भी तैयार होगी। जीवानंद प्रभु, कल मैंने जो इशारा किया था। जी हाँ, मैं वहां गया था, लेकिन वो बच्ची तो रो रही थी, उसे लेकर मैं अपने बहन के पास छोड़ आया हूँ। और बच्ची की माँ? जी हाँ, उसका दाह संस्कार भवानंद ने कर दिया है। जी। अच्छा अच्छा, तुम में से किसी एक या किसी ने भी कोई अपराध किया या मेरे जाने पर किसी से कोई अपराध हो जाए तो मेरे आने तक प्रायश्चित न करना। लेकिन अपराध प्रायश्चित बिना कर नहीं सकता। क्या करो कि तुम आनंद मठ के एक एक नियम का पालन करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिज्ञा करो कि जब तक देश स्वाधीन न हो तुम मन वचन और कर्म से ब्रह्मचारी रहोगे। जी जी। यहां तक तुम अपनी स्त्री के साथ एक आसन पर भी नहीं बैठो। जी जी। प्रतिज्ञा करो कि स्वाधीनता के युद्ध में अस्त्र धारण करोगे और अंतिम श्वास तक लड़ते रहोगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अब वचन दो कि यदि तुम्हारी एक प्रतिज्ञा भी भंग हुई तो प्रायश्चित करोगे और वो प्रायश्चित होगा मृत्यु। मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं। स्पर्श करो, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ चले आओ। तुम्हारी नवीन आयु देखकर तुम्हारा नाम नवीन आनंद रखने को जी चाहता। जैसे आपकी इच्छा। तुम्हारा अपना नाम? जी हाँ जी, मेरा नाम। बोलो बोलो। शांति देव शर्मा। शांति बेशर्मा, तुमने यह अन्याय क्यों किया? क्यों किया तुमने यह अन्याय? अन्याय मैंने नहीं किया। धोखा देना अन्याय नहीं? ये होकर ब्रह्मचारियों के मठ में यूं चले आना अन्याय नहीं? हाँ, अन्याय है अगर उद्देश्य अन्याय हो तो। अभी अभी आप ही ने तो कहा था रास्ता चाहे कोई भी हो, सवाल है अपनी मंजिल पर पहुंचना। रास्ता मंजिल, तुम्हारे आने का उद्देश्य अपने पति की साथी बनकर अपना धन निभाना? नहीं नहीं नहीं,
धर्म निभाने की तुम्हारी ये जगह नहीं, तुम्हारी जगह है गृहस्थ धर्म में, वीर धर्म में नहीं। क्यों नहीं? क्या सीता के बिना राम भी बन सकते? द्रौपदी के बिना पांडव कुरुक्षेत्र का मैदान जीत सकते? आप ही बताइए, क्या उत्तरा के बिना? बस बस बस, सीता द्रौपदी उत्तरा शांति शांति। क्या तुम जीवानंद की पत्नी शांति हो? जी 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 बेटी, तुम यहां क्यों आई? तुम तो जानती हो जीवानंद मेरा दायां हाथ, तुम उसे ही काटने आई हो। अगर वो गुरुदेव सत्यानंद के दायां हाथ ही है तो ये काट लेना इतना आसान नहीं। अच्छा 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 अच्छा, अब तुम अपने यहां आने का कारण बताओ, जल्दी बताओ। मेरे यहां आने के दो कारण हैं। एक तो आपसे ये कहना कि आपका प्राचीन संविधान गलत है, गलत, बिल्कुल गलत। शांति, एक छोटी सी भूल के लिए मौत की सजा देना अन्याय। जाओ अपना दूसरा कारण बताओ। दूसरा कारण है मेरे स्वामी जो आपके दाएं हाथ हैं, उन्हें प्राश्चित से बचाना। क्या क्या कहा तुमने? आपके दाएं हाथ को प्राश्चित से बचाना। प्राश्चित? जीवानंद का? क्यों, उसका अपराध? कल अचानक बिना किसी इरादे के वो मुझसे मिल गए, सिर्फ यही है उनका अपराध। जीवानंद से मिला, उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, उसे अपनी भूल का ख्याल है। जी, भूल का भी और प्रायश्चित का भी। बिना कोई संगठन टिक भी नहीं सकता। प्रायश्चित उसे करना ही होगा और वो करेगा भी, मैं जानता हूं वो प्रायश्चित करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इसीलिए तो मैं आई हूं, जैसे भी हो उन्हें बचाना ही होगा। कोई उपाय नहीं, क्षमा कर दीजिए। संभव है तो क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा? और कोई रास्ता नहीं? नहीं नहीं गुरुदेव नहीं, ऐसा नहीं गुरुदेव। एक बार मेरी तरफ देखिए, आपको उन्हें बचाना ही होगा, आपको उन्हें बचाना ही पड़ेगा। प्रभु ये तो आप मानेंगे, अगर मैं चाहती तो उन्हें कभी यहां ना आने देती, लेकिन मैंने उन्हें नहीं रोका। क्या इसीलिए इस कलंक की मौत के लिए गुरुदेव ऐसा न होने दीजिए? गुरुदेव एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका दीजिए गुरुदेव। अच्छा आप कुछ न कहिए, उपाय ना सोचिए, क्षमा न कीजिए। आपने मुझे बेटी कहा है ना, अपनी बेटी की एक छोटी सी प्रार्थना मान लीजिए,
मुझे यहाँ रहने की आज्ञा दीजिए। उन्हें इस बाहर से रोकने के लिए किसी दूसरे समय तक जैसे जैसे लड़ाई तक अब आगे से दीजिए गुरुदेव, मैं वचन देती हूँ मुझे कोई पहचान न सकेगा। और कह दीजिए गुरुदेव, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे मैं आपको जन्म नहीं छोड़ूंगी। गुरुदेव गुरुदेव आप आज्ञा दे दीजिए। उठो बेटी, जाओ पगड़ी बांध। तुम यही रहोगी, तुम यही रहोगी बेटी। रहने का प्रबंध कर, जाओ जाओ जाओ। गुरुदेव मठ छोड़कर चल दिए। दुश्मन को आग का जवाब आग और फौलाद का जवाब फौलाद से देने के लिए, तोपें तैयार करने के लिए कारीगरों की जरूरत थी, देश भर के चुने हुए कारीगरों की। उन्हें इकट्ठा करने के लिए गुरुदेव देश का कोना कोना छानते फिरे। कारीगरों के पदचिन्ह पहुंचते ही राजा महेंद्र सिंह, जीवानंद और भवानंद ने किला बनवाना शुरू किया। जीवानंद और भवानंद संतान सेना को बढ़ाने के लिए देशभक्ति का प्रचार करते फिरे। उधर किला बनता गया, साथ ही साथ हथियारों के लिए कारखाना भी तैयार हो गया। जीवानंद दिन रात काम में लगा रहता, संतान शक्ति को बढ़ाना, तलवारें भाले बंदूकें तैयार करवाना, फौजी शिक्षा देनी। लेकिन जीवानंद भी इंसान ही तो था, शांति से दूर न रह पाता, भंवरे की तरह खींचा चला आता। लेकिन शांति थी कहां? ये तो नवीनानंद था, जो मिलन वो चाहता था वो इस जीवन में न था। भवानंद को तो पल भर की भी फुर्सत न थी, काम दिन ब दिन बढ़ता ही जाता था। लेकिन जब से भवानंद ने महारानी कल्याणी को देखा था, उसके पैरों तले की जमीन ही निकल गई थी। राष्ट्र जो करना ही है वो सोचता, लेकिन अगर कल्याणी कल्याणी एक दिन हाथ बढ़ाया, दूसरी बार देखने की आस भी टूट गई। संतान शक्ति बढ़ती गई, आए दिन फिरंगियों पर खुल्लम खुल्ला हमले होने लगे। फिरंगी अफसर तिलमिला उठे, नो नो वी मस्ट क्रश देम। अत्याचार बढ़ते गए, फिरंगी लूट मार करके चले जाते, संतान रास्ते में ही काफले के काफले खत्म कर देते।
इन्हीं दिनों संतानों ने दिन रात एक करके अपनी पहली तोप बना ली, बरसों के साथ पूरी हो गई। संतानों के हमलों से फिरंगी घबरा उठे। खबर लंदन पहुंची, फौरन वारन हेस्टिंग भेजा गया। आते ही उसने छानबीन शुरू की। प्रजा के दुख और मुसीबतों से बेखबर शाही महलों में रंगरलियां मचाने वाले नवाब साहब के नाम हुक्मनामा सादर हुआ। मिट गए। बहस मुबाहसे हुए, खाके नक्शे तैयार हुए, नई नई चालें सोची गईं, और अपनी पूरी जंगी ताकत के साथ फिरंगी संतानों को चारों तरफ से घेर कर मिटा देने और हिंदुस्तान के हुक्मरान बनने के लिए आगे बढ़े। संतान की स्त्री है? वो समझा तो ठीक है। ओ, देखो, कोई दूसरा होने से अभी तुम पर गोली करता, लेकिन हम तुम्हें बहुत पसंद है। तुम हमारे घर में रहेगा स्त्री के माफक, लेकिन हाँ शादी नहीं होगा। वाह बंदरवा, देख सुन, हमारे घर में एक बंदर था, सूरत बिल्कुल तेरे जैसी। तो वो कुछ दिन हुए स्वर्गवास हो गया, उसका घर खाली है, तू आके उसके घर में रहना। आई कांट फॉलो यू, हम समझने नहीं सकता। समझे तो ठीक ही शैतान। नहीं नहीं, व्हाट आई मीन यू जस्ट थिंक, तुम्हारा मर्द लड़ाई में मर जाए, जरूर मर जाए, फिर तुम्हारा क्या होगा?
क्या होगा? तो आए फैसला करें। लड़ाई में अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, अगर बची और अगर हम जीते तो वादा कर कि तू मेरे घर में बंदर की जगह रहेगा और भरपेट केले खाएगा। केला बहुत अच्छा चीज है, अभी है सिर्फ जंगली कहीं का। सुन, तुझसे एक बात पूछते हैं, जवाब दे। तुम लोग हमारे देश में किस लिए आए हो? जस्ट तुम लोग को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि यहाँ के पीपल नवाब का रूल नहीं मांगता है, बहुत झगड़ा चलता है। झगड़ा चलता है तो ठीक है, हम हिंदुस्तानियों का आपस का झगड़ा है। हम आपस में लड़े मरे या कुछ भी करें, तुम बाहर के आदमी से क्यों फटते हो? तुम्हारा क्या अपना देश नहीं, अपना घर बार नहीं, तो वहां जाकर क्यों नहीं मरते?
यहाँ? आज दूर रह न सका इसीलिए। लेकिन क्यों, तुम यहाँ क्यों? शांति शांति, आपके जो तुम ही से पूछूं शांति, कहो तो कैसे रोकोगे ऐसे तूफान को? कौन सा किनारा है ये जो तुम ढूंढते हो? जिसको छू करके डूबे हजारों, ढूंढता है ये दिल वो किनारा। अपने मन को मनाओ के कैसे, आग फैली बुझाओ के कैसे? नहीं शांति, नहीं शांति। सुना है गुरुदेव लौट रहे हैं, अब तो मुझे प्रायश्चित करना ही होगा। मरना तो है ही शांति, तो मरने से पहले तुम्हें क्या और एक बार भी क्या अपनी शांति को? नहीं शांति, छोड़ दो मुझे शांति, छोड़ दो, क्या हो गया है? छोड़ दो मुझे शांति, छोड़ दो मुझे शांति, शांति शांति शांति, सुनो सुनो शांति 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 शांति। नवीन आनंद, हाँ तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद शांति। मैंने कहा मैं तुम्हारी स्त्री हूं, ये मेरे लिए कितने बड़े गर्व की बात है। तुम्हारी स्त्री होकर सब जाने बूझे मैं तुम्हारा सर मैं कैसे होने दूं? तुम ये सोचो, समझ क्यों नहीं लेते कि हमारा ब्याह जन्म के लिए नहीं अगले जन्म के लिए हुआ है? और तुम बार बार प्रायश्चित की क्यों सोचते हो? प्रतिज्ञा थी कि अपनी स्त्री के साथ भी एक आसन पर न बैठोगे, सो तुम कभी बैठे हुए तो नहीं? गुरुदेव शांति, गुरुदेव मैं चला। तुमने ठीक ही कहा है, ठीक ही कहा है तुमने, हमारा मिलन इस जन्म में नहीं लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। सुनो सुनो, तुमने वचन दिया है कि मुझसे इस समय अनंत तो नहीं अपनी शांति से और एक बार मिले बिना प्रायश्चित न करोगे, वचन निभाओगे ना? हाँ हाँ शांति। जय जगदीश।
बलिमद्भूत भमेन पदनकनीर जन जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तरस भिक्षुरने दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलि बलिंग रमनीयम केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे यज्ञ विधेर श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे मृच्छ निबह निधने कलयसि करबालम धूमकटूमिव किमपि करालम केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कल्याण करे कल्याण कल्याण कैसे होगा प्रभु आपकी तो मुझे विधवा होने की आज्ञा है जीवानंद को भी कुछ तेरा और बचाना ही होगा कोई सूरत नहीं आप आ गए अब नहीं बेटी नहीं तुम उसे रोक सकती हो मैं जानता हूं कि अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा क्यों चाहने लगी प्रभु किसी के रास्ते में रुकावट बनकर मैं क्यों पाप लूं उनके लिए स्वर्ग है तो आप क्या सोचते हैं प्रभु मेरे लिए नहीं 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 बेटी रुकावट बनने की कोई बात नहीं मैं यही सोचता हूं कि जीवानंद का महान जीवन क्या ऐसे ही चला जाएगा आप ही ने तो कहा था प्रभु कोई उपाय नहीं लेकिन बेटी याद है युद्ध तक उसकी जान बचाने की प्रार्थना एक दिन तुम ही ने तो की थी भगवान ने मेरी न सुनी युद्ध में अब देर नहीं देर नहीं हां बेटी फिरंगी सेना पड़ी आ रही है हां प्रभु एक फिरंगी सिपाही मुझे भी मिला था कब आज ही कहां पास के जंगल में थोड़ी देर पहले वो यहां भी आ पहुंचे हो सकता है किसी भी वक्त हमला कर दे बेटी मुश्किल यही है कि हमारा कोई भी आदमी उनकी सेना में न होने से भेद पता नहीं चलते मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिलती
मैं कोशिश करूं। तुम? आप आगे दीजिए। मैं अच्छा अच्छा कोशिश करो। विजयो भवतु, विजयो भवतु। नहीं नहीं मुझे देर हो रही है।
अरे चलो ये छोटा गाना गाओ और बड़ा बख्शीश ले लो। जयेश ये तो रहा हूं नहीं नहीं तुम कहां से आया? सचिन से। वहां एक केला है? केला? केला बहुत है। केला नहीं, केला केला। ओह केला है। वहां कितना आदमी रहता? कितना आदमी वहां? एक दो तीन छह। कम ऑन कम ऑन। बारह होगा। नॉनसेंस, कितना सौ होगा? बारह सौ होगा। ओ सिले, आई मीन कितना हजार? कह तो रही हूँ बारह हजार। व्हाट राइट, ये कितना? पांच। ये नो 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 दस। तो किलो में कितना आदमी? कह तो रही हूँ दस। What nonsense! Linda, take it out! Take it out! Come on! Come on! Wait! Wait! Sit down! So Petson se kab aaya? Petson? Petson! Petson! Oh! So Petson Petson kar kyun marta hai? Are Pardochin kehna muhe? Yes, yes, Petson, Petson! Wo log wahan hai? Ya nikal gaya? Nikle hai kahan? Hamara newsman, wo log ke leader, wapas aaya. Or Moggy Festival. Festival, you know. Mela. Yes, yes, Mela. Mela ko sabko bulaya. Do you know anything about that? Saab, teri eating with mere palle nahi padti. La, ab dega bhi kuch? Nahi dega. Main chali. Gaana mata sunne ka nahi, mukh pareshan kar. Hey, hey. Suno. Bahut bakshish dega. बहुत देगा। पहले पैटसन का खबर खोलो। पैटसन की खबर? ठीक है, समझ में। नहीं नहीं, जानने मांगता वो लोग कितना है और किले से कब निकलेगा। बस नकली बख्शीश दे, परसुआ खबर दे जाऊंगी। तुम नहीं जानता, आज रात को मांगता। देते देगी, बोल देना परसों। Sir, let me explain to her. हमको कल सवेरे उनके ऊपर अटैक करना था। You should have. आज रात को ला नहीं सकता? सरहाने बंदूक धर, शराब चढ़ा और पड़ा रहे। 20 को सरासम रातों रात गई और आई, बस तेरे कहने से हुआ। मुंह अच्छे छून दर कर। ए, चू चू किसको बोलता है? ये भी ना जाने। चुच बोलता सोना को, बहादुर को। यस, बहादुर एक जनरल क्लाइव के माफिक हम भी बनने सकता। तुम्हारा आज रात खबर लाने से हम भी बनने सकता। 100 रुपए बख्शीश देगा। 100 तो सही दे चाहे हजार, 20 कोस रास्ता मेरी इन दो टांगों से होने का नहीं। घोड़े पर जाओ। 100 तो जाऊंगी ही, नहीं तो मेरा काम कैसे पूरा होगा? क्या बोलता? अरे बंदर, हम बोलता है घोड़े पर चढ़ सकती तो बैरागन बन मांगती पड़ती। तो घोड़ा पर चढ़ा ले जाएगा। मैया रे मैया, मुँह चढ़ा ले जाएगा, मुझे का लाश्रम नहीं आती। ओहो, 300 रुपए देगा? साहब तू समझे नहीं, लोग का कहेंगे। ऑल राइट तो 500 रुपए देगा। 500? 500 देगा तो? यस यस देगा, जरूर देगा। अच्छा चल, तू चलेगा? नहीं नहीं, हम नहीं। ले ले, चलो। हो जाएगा। अच्छा 500? यस यस यस, चलो चलो।
कल्याणी अच्छी तो हो ना? मैंने कहा तबीयत तो अच्छी है ना? तबीयत अच्छी है या बुरी, इसे आपको क्या? मैं क्या इतना भी नहीं पूछ सकता? दरवाजा खोलो कल्याणी। इतनी रात गए, भले आदमी किसी पराए स्त्री का दरवाजा नहीं खटखटाया करता। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पराई, मेरे लिए तुम तो दरवाजा खोलो कल्याणी। मुझे तुमसे कुछ कोई जरूरी बात कहनी है। तो फिर कभी आइएगा दिन के वक्त। गुरुदेव लौट आए हैं कल्याणी, और शायद दो एक दिन में लड़ाई शुरू हो जाए, इसीलिए आज मैं तुमसे वो सब कुछ कह देना चाहता हूँ जो पिछले चार वर्षों से न कह सका। कल्याणी दरवाजा खोलो, कल्याणी दरवाजा खोलो, कल्याणी कल्याणी कल्याणी। मुझे कल्याणी पुकारने का अधिकार आपको किसने दिया? अधिकार? आज तुम मुझसे अधिकार पूछती हो? क्यों, मुझे क्या कोई अधिकार नहीं है? जरूर है, जिस दिन से मैंने तुम्हें नया जन्म दिया है उस दिन से मैं तुम्हें किसी भी नाम से पुकार सकता हूँ। तुम मेरी हो कल्याणी, तुम मेरी हो और किसी की नहीं। मैंने ही, हाँ मैंने ही तुम्हें यह नया जन्म दिया है। किसने कहा था आपसे मुझे नया जन्म देने के लिए? अब मैं समझी, तो आपने इसी नियत से मुझे बचाया था, इसीलिए आज तक आप मेरी बच्ची को न ला सके, इसीलिए आज तक मेरे पति को यह भी मालूम नहीं मैं जीती हूं मरी नहीं। कल्याणी, बच्ची को मैं जल्दी ले आऊंगा, लेकिन तुम्हारे पति, उनके लिए तो तुम मर चुकी हो। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम दूसरी शादी कर सकती हो। क्या? कल्याण, अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो। किससे? आपसे? अगर कहूं हाँ तो? आपका संतान धर्म कहा जाएगा। मैं नहीं चाहता। लोक प्रलोक? मैं नहीं चाहता। आपका ये नाम भवानंद? मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि मैं तुम्हें चाहता। संतान धर्म मेरी जान है, लेकिन तुम मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी हो। अब नहीं सहा जाता कल्याणी, अब नहीं सहा जाता। एक बार तो कह दो कल्याणी, एक बार तो कह दो कि तुम मेरी बनोगी। सुनिए, शायद आप ही से सुना था कि गिरे हुए संतान को प्रायश्चित करना पड़ता है, और वो प्रायश्चित मौत है। का प्रायश्चित मौत है। अगर कल्याणी आपकी हो जाए तो? प्रायश्चित नहीं टल सकता। और अगर वो आपकी न हो? तब भी। तो सुन लीजिए, कल्याणी कभी आपकी नहीं हो सकती। गिरे हुए संतान को प्रायश्चित करना पड़ता है, और वो प्रायश्चित मौत है। हाँ।
अच्छी बात है। गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो भी लेकर यहां नहीं पहुंच सकता, किसी हालत में भी नहीं। क्या किया जाए अब, क्या किया जाए? क्या दुश्मन को बैर किसी रोक तो अपने सीने को चलते हुए गुजर जाने दे। इस आनंद मठ को मिट्टी में मिलाकर संतान सेना को चोर लुटे रूपी दास्तान बनाकर दुश्मन इतिहास लिखेगा, क्या हम ऐसा होने देंगे? बड़बड़ियत का तूफान लाकर ये तिरंगी हमारी भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दे, क्या हम ये बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं, मैं जानता था कि तुम संतान सेना के चुने हुए सिपाही, ऐसा कभी न होने दोगे। अपने दिलों में बुलंद हिम्मत और जान हथेली पर रखकर इन फिरंगी भेड़ियों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाओगे और इन्हीं की तोपें इनसे छीन कर इन्हीं की तरफ घुमा दोगे। तो जाओ मां के रत्न सपूतो, जाओ भारतवर्ष की स्वाधीनता के पहले युद्ध का इतिहास अपने खून से लिख दो, ईंट और पत्थर की जगह अपने शरीर सजाकर आजादी की बुनियाद रख दो। एक दिन जब इस बुनियाद पर आजादी की आलीशान और जगमगाती हुई इमारत खड़ी होगी तो हर भारतवासी यही याद करेगा कि इस आजादी की बुनियाद रखी थी आनंद मठ ने। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जीवानंद, जीवानंद, आज के इस युद्ध सेनापति तुम हो, मुझे विश्वास है जीत हमारी ही होगी। जीवानंद, भगवान तुम्हारा जीव सफल करे, सार्थक करे, स्वस्थ व्यस्त कुशल मस्त चिरायु युद्धे सदैव जो विपक्षो शुभास्ते संतान
मैंने वचन दिया था ना, कौन जाने अगर मुझे और मौका ना मिला, मेरी अच्छी शांति यही हमारा वो अंतिम मिलन हो गया। शांति हाँ कह दो, हाँ कह दो शांति। संतानों, आज हमें फरंगियों पर हमला करने का मौका मिला है, तैयार? संतानों, अब हमें तोपों पर टूट पड़ना है, आगे बढ़ो। Prepare to fire! 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 Fire!
लौट जाओ। नहीं भवानंद, दोनों की जान दबाने से कोई फायदा नहीं, तुम लौट जाओ। नहीं भवानंद, आज मुझे मरना। नहीं आज मैं मरूंगा। जीवानंद लौट जाओ, लौट जाओ जीवानंद, अब फिर लौट जाओ। नहीं भवानंद, मुझे प्रायश्चित करना है, मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ सकता। जीवानंद, प्रायश्चित किसका है? मेरा। तो फिर इन संतानों की बलि क्यों दे रहे हो? बचाने की कोई सूरत नहीं है। क्यों नहीं? कुछ संतानों को लेकर मैं तोपा पर टूट पड़ता हूँ और बाकी को लेकर तुम तलिया पाती। अच्छा भवानंद, ऐसा ही सही। Maximum change position, 4-5 degrees, right! Yeah.
गुरुदेव से कह भवन विश्वासघातक नहीं था तो जानते हैं भवन कल रात उन्होंने तो आशीर्वाद दिया था ये क्या हम कुछ न कर सके हमसे कुछ न हो सका काश जीवन ना जाता कायरो गद्दारो अभी मेरे साथ मरते हो तो वो मैं तुम्हें चला हमारी जीत होगी संतानों की जीत होगी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम Hooray! 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 Hooray
बेटी शांति, जो जीवों का आनंद है उसी जीवानंद के लिए क्या रोते हैं बेटी? जीवानंद क्या कभी मरता है बेटी? मरे तो दी, आप महापुरुष हैं, सच कहिए, जीवानंद मरे तो नहीं, प्रायश्चित किए हैं, महापुरुष जीवानंद का प्रायश्चित किए हैं। हाँ बेटी, प्रायश्चित ही किए हैं, लेकिन किस अपराध का प्रायश्चित जानती हो बेटी? अपनी मातृभूमि को प्राचीनता की बेड़ियां पहनाने का जो महापाप हमारे ही पुरखों ने किया है, उसी पाप का प्रायश्चित आज इन्होंने किया है। ऐसे प्रायश्चित अभी और बहुत करने होंगे, फिर कहीं मां मुक्त होगी बेटी। ये जल लो, अच्छी तरह से जीवानंद का मुंह तो धो लो बेटी, लो। और लो बेटी, देखो तो बेटी, मृत्यु की कोई रेखा इस चेहरे पर दिखती है? एक चेहरे पर क्या लाखों जीवानंद नहीं झलक रहे? जीवानंद की भी क्या कभी मृत्यु होती है बेटी? देखो बेटी, सारे भारतवर्ष की ओर एक बार देखो, देखो ज्योति स्वरूप जीवानंद अंधियारे भारत को कैसे जगमगा रहा है। और वो सुनो बेटी, भारत माँ की गूंगी संतान आज कैसे गरज रही है, गरज रही है वीर सपूतों की विजय, गरज रही है अमर शहीद जीवानंद की जय जयकार। सुनो बेटी, वो सुनो, सुनो। जीवानंद की जय, शहीद जीवानंद की जय, शहीद जीवानंद की जय, वीर भवानंद की जय, वीर भवानंद की जय, वीर भवानंद की जय, राजा भगत सिंह के जय, राजा भगत सिंह के जय, रानी कलाई जबे के जय, रानी कलाई जबे के जय, देव सत्यानंद की जय। नहीं 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 माँ, नहीं मैं से जीत नहीं मांगता, इस लड़ाई की पहली टक्कर, केवल पहली टक्कर, उसी में मेरे दोनों हाथ कट गए। सुनो सुनो, तुम सुन रही हो मां? सुनो सुनो, तुम्हारी संतान फैला आ रही है, मेरी आज्ञा देने आ रही है, राजधानी पर चढ़ दौड़ने की आज्ञा देने आ रही है। मैं जानता हूं मुझे अभी इसी वक्त आंखें दे देनी चाहिए कि वो राजधानी को चारों ओर से घेर ले, आंधी की तरह छा जाए और दुश्मन की जड़ें उखाड़ फेंके। मगर ये आज्ञा तू कैसे, तुमने जीवानंद भवानंद मुझसे छीन लिए, मेरे दोनों हाथ काट लिए तुमने, तुमने मां, तुमने, अब बताओ मैं तलवार कैसे उठाऊंगा? वो तलवार
जो मैंने उठाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी जंजीरें काटने के लिए, भूख और गरीबी की जंजीरें, महामारी और मौत की जंजीरें, गुलामी की जंजीरें, जुल्म की जंजीरें, बोलो मां, बोलो बोलो बोलो, नहीं 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 नहीं, जंजीर सही है, नहीं 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 नहीं, ये जीत नहीं, मैं इसे जीत नहीं मानता, ये जय जयकार झूठी है, ये जय जयकार झूठी है, ये हार है, मेरी तो हार है। ये तुम्हारी जीत है सत्यानंद, गुरुदेव आप आ गए, गुरुदेव। हाँ सत्यानंद, हिमालय से आया हूं मैं तुम्हें धन्यवाद देने, धन्य हो तुम, तुमने मां की वर्षों की कामना पूरी की, बड़ी शान से शुरू की है तुमने आजादी की ये लड़ाई, ये अब न रुकेगी, चलती ही रहेगी 100 वर्ष या उससे भी ज्यादा, पूर्ण भक्ति के वो उज्जवल दीप जो तुमने जला दिए हैं, अपने जीवानंद, अपने भावानंद, महेंद्र, शांति, कल्याणी और न जाने कितने और देश के कोटि कोटि लोगों को आजादी की राह दिखाते रहेंगे। भारत के सपूतों, खुशियां मनाओ, अपनी महान जीत पर खुशियां मनाओ, गाओ मां की वंदना के गीत, गाओ गाओ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। ऐसे पहली बार भारतवर्ष में स्वाधीनता का युद्ध क्षेत्र इन शहीदों ने अपने खून से सींच दिया। वंदे मातरम महामंत्र का बीज इसी धरती में पड़ा, मुट्ठी भर संतानों की पुकार करोड़ों की ललकार बनी, सैकड़ों हजारों लाखों जाने जाने संगीनों गोलियों तोपों का निशाना बन गए, फांसी के तख्ते पर मुस्कुराते लटक गए इसी महामंत्र को जपते हुए। देश स्वाधीन हुआ, लेकिन आज आज वंदे मातरम कहां, सुजलाम।